हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आपके लिए टर्की का बर्ड मैं लेके आया हूँ दिखाने, और जो कि फुल साइज में भी है और सेमी अडल्ट भी है मेरे पास। सेमी अडल्ट में ब्लैक मादाएं हैं मेरे पास, और फुल साइज में वाइट वाइट कलर के मेल फीमेल हैं जो अभी मेरे पास अवेलेबल है। और ये फ्रेंडली होता है टर्की बर्ड, जो कि सालाना 150 अंडे का उत्पादन देता है, और इसका बच्चा 200-300 रुपए से स्टार्टिंग बिकता है, जो कि 1000 रुपए पेयर, 2000 रुपए पेयर, और फुल साइज आते आते 5000 पेयर तक बिकता है ये। तो इसका ऐसा है कि नॉर्मली कम उत्पादन होने के साथ साथ इसका डिमांड ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा रेट इसका ज़्यादा होता है। और इसका पालने के लिए और फैंसी तौर पे घर पे रखने के लिए लोग बाग घरों में पालते हैं इसे, और इसकी फार्मिंग करते हैं, क्योंकि ये मोर की तरह नाचता है पंख फैला के, और लोगों को अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है, इसलिए इसे घर में लोग पालते हैं। और बाहरी लोग भी आके देखते हैं, तो वो भी आपके पास रुक के 10 मिनट आपके पास आके देखते हैं और आपसे इसकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं कहाँ से लाए और कितने का मिलेगा। तो इसी तरह ये हमारे पास टर्की बर्ड हमारे पास है, और हम इसकी फार्मिंग करते हैं। और आपको इसके अंडे भी दिखा दूँ यदि आपको दिखता हो तो, ऐसे में दिखता हो तो आपको अंडे भी दिखा दूं कि अभी हमारे पास 4 अंडे अभी अवेलेबल हैं, जो बाकी के मैं अंडे मुर्गियों के नीचे इसे हैच करने के लिए रख दिया हूं, तो उनके बच्चे भी निकल जाएंगे 28 दिन हैच होने के बाद। इनका बच्चा 28 दिन में निकलता है, जो कि मुर्गी के नीचे निकलवा रहे हैं तो वो भी 28 दिन में ही निकलेगा, और उसको मुर्गी के नीचे आप चरा सकते हैं और मुर्गी से ही अंडे बच्चे फुड़वा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टर्की ही बच्चा निकालेगा, और हम टर्की से बच्चे नहीं फुड़वा रहे हैं, क्योंकि हम इनसे सिर्फ अंडे ले रहे हैं, और हमारे पास देसी मुर्गियां हैं तो उससे हम बच्चे निकालेंगे। तो यही नॉलेज आपके लिए लाए थे कि टर्की हमारे पास क्या क्या काम में आता है। और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें।